Hey, what's happening, guys? तो गाइस आज ना मैं माइनक्राफ्ट में एल्विस यादव का पोर से हम लोग यहाँ पर आज माइनक्राफ्ट में बनाएंगे और उसको चला कर भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत मैं इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने वाला हूँ उसको। क्या मस्त गाड़ी है पोर से, और मैं हूँ स्पीसी गेमर और आज मैं बनाऊंगा पोर्स और उसको चला कर भी दिखाएंगे पूरा को पूरा लिट्टो। आपके भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको भाई का भी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके भाई वहां पर चेकआउट करो और देखो कि कैसा व्लॉग्स डालता हूं मैं, चौंक जाओगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गया हूँ और मेरे को ये जगह मेरे को अच्छी लग रही है वो कार बनाने के लिए। हम लोग एक कोई भी सा कार का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि पोर्ट से मिलता जुलता हो और फिर उसमें टोटका मारेंगे। वो टोटका मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो टोटका बहुत मस्त होने वाला है। हम लोग पहले तो चक्के के लिए यहाँ पर ब्लैक कॉन्क्रीट ले रहे हैं जो हम लोग कार के चक्के में लगाएंगे। चक्का व्हील कुछ भी बोल लो, अगर आप देसी हो तो चक्का बोल लो। तो गाइस ना सबसे पहले मैं आप लोगों को सारा का सारा सामग्री जिसका आप लोगों को लगे और आप लोग भी यहां पर कार स्पॉन कर सकते हो और सारा का सारा जो सामग्री है वो पहले मैं बता दूंगा। और जैसे कि यहां पर मैं ब्लैक कंक्रीट लिया हूं जो व्हील में काम आएगा और यहां पर कॉज के यहां पर स्टेयर्स लिया हूं कि थोड़ा सा मैं ना इसका ग्राउंड क्लीयरेंस कम कर पाऊं, जैसे स्पोर्ट कार में होता है ग्राउंड क्लीयरेंस कम होता है उसका, तो यहां पर मैं ऐसा यहां पर करने वाला हूं। ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही पतला हो गया तो मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा, यहां पर ब्लैक कंक्रीट रखते हैं, नहीं ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है तो ठीक है। यहाँ पर चार ब्लॉक का यहाँ पर इसका ब्रेथ रहेगा और लेंथ देखते हैं कितना का रहेगा। और यहाँ पर कंक्रीट मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मेरा प्यारा डॉगी है यहाँ पर, और मेरे को सारा का सारा सामग्री लेना है। भाई मैं तो पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या चीज से मैं यहाँ पर कार बनाऊं और पोर्ट्स जैसा दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो व्हील के सामने खाली जगह रहता है ना, व्हील को थोड़ा घूमने वगैरह के लिए, घूमना नहीं वो हिलने डुलने के लिए जो खाली वगैरह रहता है वो मैं यहाँ पर बनाने का कोशिश किया हूँ और पूरा ऊपर ट्यूटोरियल भी आप लोगों को दे रहा हूँ। भले ही मेरे को अच्छा से नहीं आता पर मैंने एक दो वीडियो तो देखी है, चलो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा और यहाँ पर बनाने आ गया। तो जो कार में विंडशील्ड होती है वो मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास से विंडशील्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टायर के पीछे इसको रखा हुआ और सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कार का शेप इसको दूँ पर मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं सोच ही रहा हूँ कि कैसे करना है पर मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने विंडशील्ड कुछ ऐसा यहाँ पर टाइप का दिया है और यहाँ से सामने से पूरा गाड़ी तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस पूरा कम लग रहा है। और चक्का को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग बटन लगाएंगे, ऐसे स्टोन बटन यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, पीछे भी दो टायर लगाऊंगा। पहले तो रुक तो लो, पहले आगे तो बना लूं। अरे यार तू डॉगी थोड़ा साइड हो जा, भोपी 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 इधर आ इधर आ इधर आ, मैं तुझे खाने को दूंगा। हाँ इधर आ इधर आ इधर आ, अब बैठ जा, मेरे को काम करने दे और यहाँ पर काम करूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता हूँ कि विंडशील्ड थोड़ा अच्छा लगे हमारा, तो मैं यहाँ पर टायर को थोड़ा रियलिस्टिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा यहाँ पर मैंने लगा दिया है और यहाँ पर लगाऊंगा मैं यहाँ पर कॉज का एक व्लॉग और यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा लगने है कार और यहाँ पर विंडशील्ड कुछ मैंने ऐसे लगाया है और थोड़ा कार को इसको लंबा करूंगा क्योंकि पोर्ट से भी थोड़ा लंबा ही है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिए है और भाई ये पूरा ऊपर रियलिस्टिक होने वाला है। और पीछे का जमीन खत्म हो गई, मेरे को पीछे का जमीन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा पर यहाँ पर देख लो कुछ इतना मैंने बड़ा कर दिया है, तीन ब्लॉक के यहाँ पर लेंथ दे दिया इसको और यहाँ पर थोड़ा जमीन बड़ा करना पड़ेगा मेरे को वरना यहाँ पर पोर्ट से मेरी नहीं आ पाएगी। तो खो यहाँ पर फिर यहाँ पर कॉज ऑफ स्टेयर्स यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया हूं और देखो कुछ ऐसा लगने लगा है। और यहां पर टायर जमीन ही नहीं है तो नहीं ये तो बाहर हो गया तो मेरे को अंदर करना है। ठीक है यहां पर आ गया मेरा टायर और कुछ ऐसा लगने लगा है तो मैंने यहां पर जमीन भी पूरी बड़ी कर दी है और मेरा यहां पर पोर्सेस जो है कुछ ऐसा लगने लगा है। और जो मेरे को ज्यादा का ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क लग रहा है ना वो मेरे को लग रहा है कि इसमें लाइटें कैसे बनाऊंगा मैं। तो यहां पर मेरे को लगा कि ये लंबी ज्यादा हो रही है पोर्सेस तो यहां पर तोड़ के फिर से यहां पर मैं स्टेयर्स लगा रहा हूं, एक ब्लॉक यहाँ पर कम कर दिया। अब तो नहीं अच्छी लग रही मेरे को ये, पर ठीक ठाक है पर मेरे को अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा लंबा था तो पोर्से का लुक आ रहा था तो मैं इसको अब फिर से वैसा ही कर दूंगा। यहाँ पर फिर से तोड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पर ब्लॉक लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्टेयर्स लगा देंगे। फिर से इसका फ्रंट लुक जो है मैं चेंज कर रहा हूँ और कुछ ऐसा लगने लगा है। और यहाँ पर थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पर स्टेयर्स लगाया और यहाँ पर स्टेयर्स और ये तो भाई F1 कार लग रही है, नहीं नहीं ये पोर्से नहीं लग रही है पर
पर ठीक ठाक है, स्पोर्ट कार तो लग रही है। और पीछे कुछ ऐसा है यहाँ पर लग रहा है कि इसमें पूरा वो लगा हुआ है जो होता है ना सुपरा में, क्या बोलते हो इसको, पता नहीं यहाँ कहाँ से जाते हैं ये वार्डन ट्रेडर। और इसके लामा कहाँ पर गए, यहाँ पर देखो मैं टायर में यहाँ पर बटन लगाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर स्टेयर्स थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा पीछे से। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर साइन बोर्ड लगाऊंगा मैं बाद में, अभी पहले तो ऐसा करके देख लेते हैं कि ऐसा यहाँ पर कैसा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर कैसा लग रहा है। अच्छा भाई राइम हो गया, ओके ये कार तो लग रहा है, अब बस इसके अंदर कैसे जाएंगे वो बड़ी बात है। जो कार के पीछे बम्पर जैसे लगे हुए रहते हैं ना, उसका यहाँ पर मैं लुक देने का कोशिश कर रहा हूँ ये साइन बोर्ड से। और ये साइन बोर्ड से वैसा लुक भी आ रहा है कि यहाँ पर बम्पर लगा हुआ है पीछे, और हाँ भाई एकदम वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पर वो लगने लगा है, कार लगने लगा है, अच्छा है अच्छा है। और ना जो ग्लास लगा हुआ रहता है ना कार में, उसमें जो ब्लैक फिल्म लगी हुई रहती है, मैं सोच रहा हूँ कुछ वैसा लगा दूं। तो यहाँ पर ग्रे कलर का यहाँ पर मैंने ग्लास लिया है और यहाँ पर टिंटेड ग्लास है ये, जहाँ पर ब्लैक फिल्म लगी हुई रहती है ना जैसे रियल लाइफ में होता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है ये। नहीं, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, इसको तोड़ो भाई। यहाँ पर काला ग्लास लगाएंगे, पूरा एकदम गैंगस्टर लुक। तो अब आएगी गैंगस्टर वाली लुक, यहाँ पर देख लो मैंने काले ग्लास यहाँ पर लगा दिए है, पूरे के पूरे 10,000 का फाइन है इसमें, ज़्यादा नहीं बस 10,000 देना है, 10,000 से ज़्यादा ही है पर मेरे को पता नहीं है ठीक है, तो इसमें फाइन तो है पर मेरे को इतना पता है। तो यहाँ पर मैंने कार में यहाँ पर काले वाले शीशे लगा दिए है पूरे के पूरे गैंगस्टर लुक। और यहाँ पर मैं डोर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ पर डोर लगेगा नहीं क्योंकि मैं बनाया है उसको प्रो ब्लॉक से, और यहाँ पर डोर वैसे नहीं लगता है, थोड़ा सा छूट के लगेगा। और यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा लगने लगा है हमारा यहाँ पर कार, और यहाँ पर मैं डोर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर लगने वाला तो नहीं है, तो यहाँ पर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि लाइट लगाऊंगा अपनी गाड़ी में, तो चमचम भी तो करना चाहिए ना, तो लाइटें मारूंगा किसी के मुंह में तो दिखेगा भी। तो यहाँ पर जब मैं लाइट लगाने गया तो यहाँ पर टायर आ गया, तो टायर में तो हटा के तो नहीं लगा सकता, तो उसके ऊपर लगा दिया और पूरा का पूरा लुक खराब हो गया भाई। कुछ छोटा लाइट नहीं ना माइनक्राफ्ट में, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा सा लाइट लगा दिया हूँ, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको हटाने ही वाला हूँ, हटेगा भाई ये हटेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कुछ बनाया हूँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट का यहाँ पर से कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पर बटन से भी कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर एक ड्रॉपर है, नहीं ये डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर के अंदर यहाँ पर उसके ऊपर मैं रखने वाला हूँ एक चेस्ट, और वो चेस्ट में आ जाएगा पूरा का पूरा एक कार का चाबी, और वो कार का चाबी से स्पॉन होगा हमारे पोर्स। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे बटन को, इसके अंदर आ जाएगा पोर्स से, और ये भाई क्या लगा दिया मैंने, हटाओ, और यहाँ पर बटन दबाना है और बस हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये चेस्ट में आ गया होगा एक चाबी जिससे हम लोग पोर्स स्पॉन कर पाएंगे। ओ भाई यहाँ पर देखो पोर्स 921, और यहाँ पर सारा का सारा कचरा यहाँ पर ये चेस्ट में डाल देते हैं, पूरा का पूरा कचरा पूरा का पूरा कचरा यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं, पोर्स से लेके कचरा डाल रहा हूँ मैं, बताओ कितना मस्त आदमी हूँ मैं। यहाँ पर कहीं अच्छा से खाली जगह देख के यहाँ पर पोर्स स्पॉन करेंगे। ये देखो भाई यहाँ पर पोर्स है, मैंने यहाँ पर ओ भाई क्या भाग रही है, यहाँ पर मैंने पोर्स स्पॉन कर लिया है, ओ भाई क्या लग रही है, रुको कोई फ्लैट सा जगह ढूंढते हैं वहां पर लगाएंगे। अरे यार ये भी फ्लैट जगह नहीं है, थोड़ा दूर लगा लो, हाँ यहाँ पर ठीक है। और भाई देखो यहाँ पर पोर्स से कितना प्यारा लग रहा है, ओ यहाँ पर इसका चक्का गिर सकता है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर इसको ड्राइव करके थोड़ा सा दूर लगाते हैं। और यहाँ पर देखो पोर्स से 911 यहाँ पर पोर्स से है, और यहाँ पर देखो ये कन्वर्टेबल है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर देखो पीछे पोर्स से लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये डॉक्टर राइटिंग लिखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। और देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसका पूरा व्हील देखो, ओ भाई पूरा का पूरा एकदम अच्छा एकदम प्यारा पोर्स लग रहा है। और भाई यहाँ पर एल्विस भैया के पास यही कार है, और भाई पूरा का पूरा मैं सामने से यहाँ पर देख पा रहा हूँ, पूरा ऊपर प्यारा लग रहा है, ऐसा ही कुछ उनका कंसोल है यहाँ पर, और भाई बहुत प्यारा लग रहा है कसम से, इसको चलाने में क्या ही मजा आ रहा है। और ये एकदम अच्छा से यहाँ पर ऑफ रोडिंग भी कर दे रही है, पोर्स है ग्राउंड क्लियरेंस कम है पर ये माइनक्राफ्ट है, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ पता है नहीं, पर यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर दे रही है। और गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसे करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा ना तो जोर से लाइक सब्सक्राइब से कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना। और गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।